माइक अनम्यूटर, हम लोग अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ये क्या हो गया था? सर आप लोग की आवाज मतलब समझ नहीं, ये चला ना तो मैं टेंशन में आ जाती हूं कि ये क्या हो। अच्छा मीडिया आ गई नीचे, देखता ओके मैं शेयर करूं। बताऊं कि अद्भुत लीलाओं से तो आप वाकिफ ही हैं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सनातन धर्म का अस्तित्व ही सतरंगी, बेढंगी और बेतुकी लीलाओं पर है। और आज इन्हीं लीलाओं में से एक लीला मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो कि बाद में सबसे बड़ी वजह बनी देवदासी प्रथा की। ये अद्भुत काल्पनिक कथा है देवी रेणुका की, जो कि बाद में देवी यलमा के नाम से जानी जाती है। रेणुका देवी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये देवी पार्वती का दूसरा जन्म थी। रेणुका एक बादशाह की बेटी थी जिसकी डायनेस्टी महाराष्ट्र में थी, और इन देवी के बारे में ये लेजेंड भी है कि इनका जन्म आग में से हुआ। मतलब सनातन धर्म वो और कदम कदम पर साइंस और लॉजिक की हत्या ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। खैर इस देवी की शादी एक सेठ जमादग्नि से हो गई। शुरुआत में तो ऋषि कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, वो एक प्रिंस की बेटी है, लेकिन रेणुका देवी को लाइक साबित करती है कि देख जमादग्नि मैं भी तेरी तरह मूर्ख हूं, चलो विवाह रचाते हैं। अलमुख्तसर ये इनकी शादी हो जाती है। ऋषि साहब शादी के पहले दिन ही इस बेचारी नाजुक अली देवी को कष्ट में डाल देता है और कहता है रेत का घड़ा बनाओ, उसमें पानी भर के लाओ, फिर ही तुम्हें घर में एंट्री मिलेगी, वरना बाहर चले जाओ। हाय बेचारी नाजुक अली, रेणुका देवी का सिर्फ एक ही कसूर था कि वो सनातन धर्म का पालन कर रही थी। खैर अभी इश्क के इम्तिहान और भी है, ये तो सिर्फ और ट्रेलर था। इतने संकट में पड़ने के बाद वो कैसे न कैसे इम्तिहान में पास हो जाती है और फिर उनकी हैप्पी लाइफ की शुरुआत हो जाती है। रेणुका और जमादग्नि के पांच पुत्र प्राप्त होते हैं और इनमें से एक का नाम परशुराम है, जिनको भगवान शिव का अवतार माना जाता है। लेकिन दर्शकों कहानी तो अभी शुरू हुई है, ये वक्त है क्लाइमेक्स का। रेणुका देवी तमाम उम्र बेचारी रेत के खड़े बनाती रहती है, पानी भर भर कर लाकर ऋषि को देती रहती है, लेकिन ऋषि निकला नपुंसक। वो कैसे? एक दिन वाक्य रोना होता है। उस वाक्य के दो वर्जन मिलते हैं। पहले वर्जन में दरिया के करीब रेत का घड़ा बनाते हुए और उसमें पानी भरते हुए रेणुका देवी किसी खूबसूरत पुरुष को नहाते हुए देख लेती है और उनकी तरफ मोहित हो जाती है। जैसे उनकी तरफ मोहित होती है उनका घड़ा टूट जाता है। और दूसरी लेजेंड के मुताबिक वो एक विवाह जोड़े को दरिया के अंदर नहाते हुए देख लेती है और अपने आप को कर्स करती है कि किस ऋषि के पल्ले पड़ गई हूं, जो इतना नपुंसक है कि मुझसे सिर्फ सिर्फ घड़े बनवाते रहते, उसको मेरी कोई परवाह नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं करता, बस अपनी दुनिया में मगन रहता और लीला लीला करता रहता है। अभी बेचारी ने एक छोटा सा टुकड़ा दिन में रोया ही था कि होता क्या है, घड़ा टूट जाता है। और बेचारी बहुत कोशिश करती है बार बार रेत से घड़ा बनाने की, लेकिन घड़ा नहीं बनता। वो इसलिए क्योंकि रेणुका देवी अब पवित्र हो चुकी है और अब उनके हाथ से घड़ा नहीं बन सकता। बेचारी शाम तक कोशिश करती रहती है और एंड पर खाली हाथ ऋषि के सामने आ जाती है। ऋषि जैसे ही रेणुका देवी को देखता है कहता है घड़ा कहां है, तो वो सारा किस्सा बता दिया। उसके बाद ऋषि बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और रेणुका को हुक्म देता है कि दफा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से, तुम अब अपवित्र हो चुके हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम इस घर में कदम रखो। रेणुका बेचारी दुखों की मारी नाजोपली जंगल की तरफ निकल जाती है और दर दर की ठोकरें खाती है इस ऋषि के होते हुए। आप जरा सोचे उसके पांच पांच पुत्र हैं, श्री जवान और एक अदद हस्बैंड भी है ऋषि नपुंसक, लेकिन फिर भी बेचारी जंगलों के थके खा रही है और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बेचारी ने दिल दिल में शिकवा कर लिया था। सुभान अल्लाह, अरे ये इज्जत तुम्हारे धर्म के अंदर औरतों की, आपको उठकर आ जाएगा और कहेगा रुको रुको रुको, ये तो भगवान की लीला थी, इसी तरह से ऋषि की भी लीला शीला थी, तो तुम इस पर क्वेश्चन नहीं उठाओ, क्योंकि तो हम तो है अंधवक और हम तो खाते हैं गोबर, हमें तो बात समझ नहीं आती, तुम क्वेश्चन उठाकर हमें डिस्टर्ब क्यों करती हो, हमें तो अपनी जिंदगी में मगन रहने दो, मस्त रहने दो। खैर दर दर की ठोकरे खाने के बाद किसी तरह से वो लोगों की मिनते तरले कराते गुरुते ऋषि के पास पहुंच जाती है। अब ऋषि को चढ़ जाता है गुस्सा, ऋषि अपने चार पुत्रों को हुक्म देता है कि तुम अपनी माँ का सर काटोगे। चार पुत्र कहते हैं कि सॉरी अब्बाजी, हम ये काम नहीं कर सकते क्योंकि हम अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। तो ऋषि और गुस्सा चढ़ जाता है, ऋषि अपनी ताकतों से अपने ही पुत्र को जला देता है। वाओ, और अब वो वक्त आता है कि जब वो अपने आखिरी पुत्र परशुराम को हुक्म देता है कि आओ और अपनी माँ का गला काटो। परशुराम कहता है कि अपना सर बचाने के लिए माता सलामत का सर काटना लाजमी हो गया, तो खैर अम्मा को आग लगा देता हूं, अम्मा का सर काट देता हूं, मैं तो जिंदा रहूंगा। और वो अपनी माँ का सर काट देता है और इतने गुस्से में होता है कि माँ के साथ साथ एक लोअर कास्ट वुमन का भी सर काट देता है, वो लोअर कास्ट वुमन जो उसकी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। हां भाई, फिर सर तन से जुदा इस्लाम पर सवाल उठाने वालों, अब सनातन धर्म का क्या करना है, जहां पर बेटे अपने ही माओ के सर तन से जुदा कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? ये वही बात हुई ना कि औरत औरत के काम आती है, चाहे वो निचली जात की क्यों ना हो। और फिर सनातन धर्म के नौजवान और बुजुर्ग तो ऐसे हैं जिनसे अपने इमोशन से कंट्रोल में नहीं होते। खैर वो अपनी माँ का सर काट देता है और जैसे अपनी माँ का सर काटता है उसका बाप बहुत खुश हो जाता है, कहता है वाह पुत्र वाह, क्या काम किया तूने। नॉर्मली तो होना ऐसा चाहिए था कि पुत्र वैसे को काम करता, माँ की खिदमत करता, माँ के पांव चूमता, तो फिर उसका बाप खुश होता है देखो मेरा बेटा इतना फर्मा बता रहा है। लेकिन सनातन धर्म की साइंस लॉजिक उल्टी है, यहां पर पांव दबाने से नहीं बल्कि गला दबाने से बाप बच्चे को शाबाशी देता। वाह व्हाट अ लॉजिक, मोरालिटी के ठेकेदार हो, तुम्हारे इन ऋषियों की मोरालिटी की तरफ जाकर मर खा गई है। वो औरत देवी है, देवी है कर राग लापने वालों, यहां पर इस देवी का उसका अपना ही पुत्र सर काट रहा है, ये देवी नहीं है क्या, क्या ये औरत नहीं है? मतलब जिस धर्म में देवियों का सर उनके पुत्र काटते हैं तो उस धर्म के अंदर आम स्त्रियों के तो टुकड़े टुकड़े कर डीप फ्रीजर में फ्रीज किया जाते होंगे ना। उसके बाद उसका बाप कहता है कि चलो मांग जो मांग सकता है मुझसे दिया। तो वो कहता है बाबू मुझे ना तू ये वरदान दे दे कि अपनी माँ को दोबारा से जिंदा कर लो। यकीन जाने कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एकता कपूर का कोई नागिन टाइप सीरियल चल रहा है, जिसमें इंसान कुत्ता बिल्ली मछली छिपकली हर रूप में आ रहा है और कुछ भी हो रहा है, यानी कुछ भी। और उसके बाद होता यह है कि परशुराम गलती से लोअर कास्ट वुमन का सर अपनी माँ के घर के साथ तोड़ देता है और फिर यलमा देवी प्रकट होती है। और क्या हो गया, ऋषि जमादग्नि की बीवी लोअर कास्ट से ताल्लुक रखती है। ओहो ये क्या हो गया, तो ऋषि जमादग्नि अपनी जान छुड़ाने के लिए उसको एक वरदान देता है। वो कहता है कि अनमैरिड औरतें देवी यलमा के नाम से तुम्हारी पूजा करेंगी और सारी लाइफ तुम्हारे लिए डेडिकेट कर देंगी। मुझे जानना यह है कि उसने बोला था अनमैरिड औरतें, लेकिन यहां पर तो औरतों को लाया जाता है पंडितों और पुरोहितों के सामने पेश किया जाता है, उनकी वर्जिनिटी को खराब किया जाता है, उनके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके वजूद को गाली बना दिया जाता है, फिर वो अनमैरिड कहां से हुई। खैर बातें करने को तो बहुत सारी है, लेकिन पॉइंट यह है कि यही स्टोरी ओरिजिन है देवदासी प्रथा का।